तो चलो दोस्तों, अभी हम बात करते हैं मॉस्फेट की। यहाँ पर मेरे पास एक पीसीबी है, ये देखिए, और ये पीसीबी में हम यहाँ पर ये मॉस्फेट निकालेंगे। अभी के मोबाइलों में डिफरेंट डिफरेंट पीसीबी आ गई है, आप देख सकते हैं। हेलो हाय, मैं जितेंद्र गोयल, इसी वीडियो की तरफ से सब्सक्राइब कर देना, 1 लाख होने वाला है। अभी के मोबाइल में एडवांस कंपोनेंट के साथ पीसीबी आ रही है, तो भैया इसके मॉस्फेट को आपको पता होना चाहिए, क्योंकि पहले एक आते थे, अब 4-5 आ रहे हैं, हर सर्किट में मॉस्फेट का यूज किया जा रहा है। तो फिलहाल आइए एक मॉस्फेट को निकालते हैं और उसको चेक करेंगे, ठीक है। तो ये ओप्पो रियलमी वन प्लस किसी की भी पीसीबी हो सकती है। यहाँ पर मॉस्फेट लगा हुआ है, मॉस्फेट के अंदर जनरली 3 लैग होते हैं, ठीक है। मैं आपको उधर से भी दिखा दूंगा एक पीसीबी में। अब मैं इसको निकाल लेता हूं। चलिए, तो आप ये मॉस्फेट को देख ही रहे होंगे, ये देखिए। हम पहले मॉस्फेट को ठंडा करेंगे, क्योंकि गर्म को कंपोनेंट को हमें कभी चेक नहीं करना चाहिए। अब नोटिस करो, अब मैं अगर आपको सिर्फ स्कीमेटिक दिखाऊं ना, तो जैसे मॉस्फेट को किससे शो किया जाता है, बी से। देखिए यहाँ पर जैसे एक दिखाई दे रहा है, ये एक एन चैनल का मॉस्फेट है, और जिसको मैंने निकाला, मे भी हो सकता है वो एन चैनल हो। तो कैसे पता चलेगा एन चैनल, हम हमारे कॉपी में देखेंगे जिस तरह से हमने इसको बनाया। तो देखिए ये मॉस्फेट ये लगा है, और ये एक एन चैनल का मॉस्फेट है। अभी कैसे पता चलेगा, आप चाहो तो उसको सर्च करके गूगल में डाल सकते हो, या फिर मेरे पास एक बहुत अच्छी ट्रिक है जो कि 3 सेकंड में बिना सिर्फ देखकर बता सकते हो 3 सेकंड में कि ये एन चैनल है कि पी चैनल है। अब भाई मैंने तो अपने स्टूडेंट को सिखा दिया, अगर आप सीखना चाहते हो तो बन जाना स्टूडेंट। अब फिलहाल मैं इस वीडियो में इसको टेस्टिंग बताऊंगा, पी चैनल ये क्या काम करता है, हम किसी अलग वीडियो में बात करेंगे। बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो है, क्योंकि मॉस्फेट की टेस्टिंग लोगों को आती नहीं है। मैं चाहूं तो मेरे पास बहुत बड़ा अच्छा डिजिटल पैनल लगा हुआ है, बट मैं फिर भी यहाँ पे कॉपी बताऊंगा, क्योंकि कॉपी में बताने का जो मजा है ना, वो यहाँ पर नहीं है, बोर हो चुका हूँ इससे। यहाँ दिखाइए, क्योंकि ये तब हमने लगा लिया था जब इंडिया में किसी के पास नहीं था, बट अब ये कॉमन हो चुका है, इसलिए यहाँ आइए। देखिए बेसिकली मॉस्फेट में ना आपको इस तरह का मिलेगा, ये देखिए इस तरह का आपको मॉस्फेट मिलेगा, जिसमें से ना ऑलवेज रिमेंबर, यहाँ पर आपको ये 3 आपको पैड मिलेंगे, ठीक है। हम इन पैड को भी डिफाइन कर सकते हैं कि कौन सा हमारा ड्रेन होता है, कौन सा हमारा सोर्स होता है। सो मैं आपको बता दूं, एक हमारा ड्रेन होता है, एक गेट होता है, और एक हमारा सोर्स होता है, बराबर। अभी कैसा है, अगर मैं इसे कॉमन आपको, हालांकि ये जो मैं बना रहा हूं ये मेरे स्टूडेंट समझ जाएंगे, ये देखिए। अब इसमें क्या, ये ड्रेन है, ये सोर्स है, और ये गेट है। सो ये गेट एनेबल करता है मॉस्फेट को ऑन ऑफ करने के लिए, ठीक है। ये एक तरह का स्विच कहा जाता है। अब मॉस्फेट किसे कहते हैं, अगर आप कह सकते हैं, तो ये एक करंट कंट्रोल डिवाइस है, और करंट को कंट्रोल करने का काम करता है, बराबर। अभी कैसा है, हमें ड्रेन से वोल्टेज को सोर्स में डालना है, तो उसके लिए हमें मॉस्फेट ऑन करना पड़ेगा फिलहाल, क्योंकि ये वर्किंग अभी नहीं, वर्किंग में किसी नेक्स्ट वीडियो बताऊंगा आपके कमेंट के, उस पर आप जितना कमेंट देंगे मैं उसकी वर्किंग आपको बताऊंगा, बहुत मजा आएगा आपको वर्किंग समझने में। अच्छा, उसके बाद में आपने एसर टेलीकॉम का भी नॉलेज मिलेगा, क्योंकि यहाँ पर ना दोस्तों, यहाँ पर ना हमारा कंसेप्ट आपके 2 मोबाइल चालू करके आपको घर भेजना नहीं है, हमारा कंसेप्ट आपको मोबाइल आपसे चालू करवाना है, और आपको टेक्नीशियन से टीचर बनाना है, बात समझ रहे हो। हमारा कंसेप्ट है 8 घंटे 10 घंटे आपको सामने बिठाकर इस तरह से थ्योरी पढ़वाना नहीं है, हमारा कंसेप्ट है कि 10 घंटे आपसे डेली हैंड स्किल करवाना है, डेली आईसी से, डेली सीपीयू, डेली ईएमसी करवाना है, ताकि आपका हैंड स्किल अच्छा हो, एक नंबर हो। तो कैसा है, अभी मॉस्फेट की बात करेंगे, एन चैनल है। इस मॉस्फेट में कैसा है दोस्तों, पहले तो आप नोटिस करो, ये गेट आप देख रहे हैं ना, ये गेट कनेक्टेड नहीं होने चाहिए, मतलब फिलहाल हम देखेंगे। तो पहला हमारा कि गेट आपका ड्रेन और सोर्स से बीप नहीं देना चाहिए, तो ये मॉस्फेट फिलहाल मानेंगे कि ओके है। दूसरी कंडीशन, क्योंकि आप यहां पर आप नोटिस करना, क्योंकि ये एन चैनल होगा, तो हमारा जो ये डायोड होना कुछ इस तरीके से लगा होगा, मतलब सोर्स से गेट की ओर, सो हमारा सोर्स से गेट की ओर, सॉरी ड्रेन की ओर, सोर्स से ड्रेन की ओर हमें रीडिंग मिलनी चाहिए। और अगर उल्टा चेक करेंगे तो ओएल, क्योंकि जो हमारा डायोड लगा है, यहां पर दिखाता हूं, ये देखो जो हमारा डायोड लगा है वो सोर्स से ड्रेन की ओर लगा है, आप जैसे कि यहां पर देख सकते हैं। और बेसिकली अगर हम यहाँ पे वैल्यू देखें, जैसे डायोड की वैल्यू होती है ना, एक और रीडिंग आती है, एक और रीडिंग भी आती है, और ये हमारा गेट हो गया। चलो, और लॉजिक लगाना नहीं है, तो यहाँ पर ध्यान दो, ये मेरा ड्रेन है, ये मेरा गेट है, ये मेरा सोर्स है, इन दोनों पे वैल्यू आई ना, अगर यहाँ से यहाँ वैल्यू आई तो एन चैनल, और यहाँ से यहाँ वैल्यू आई तो पी चैनल है, दैट्स इट, बहुत सिंपल है। हालांकि पर मैं पी चैनल अगले वीडियो में चेक करूंगा, मैं छोटे छोटे वीडियो बना रहा हूँ अभी, ताकि आप लोग देखें। देखिए अब मैंने मल्टीमीटर को लिया, सबसे पहले हम क्या करेंगे, गेट पर रखेंगे एक कोई सा भी सिरा, और देखेंगे कोई रीडिंग आ रहा है कि नहीं आ रहा है। देखो यहाँ भी, यहाँ भी कोई रीडिंग नहीं है, देखो मल्टीमीटर आपस में कनेक्ट हो रहा है, ठीक है। तो अब हम क्या करेंगे, अपने फ्लो बदल लेंगे, और वापस अब हम एक और सिरा यहाँ रखेंगे, और यहाँ पर देखेंगे कोई रीडिंग आ रहा है कि नहीं आ रहा, यहाँ पर भी कोई रीडिंग नहीं आ रहा, ठीक है। तो मॉस्फेट में कैसा रहता है ना, ज्यादा दबाएंगे ना तो उसके पैड है ना निकल सकते हैं। अब हम क्या करेंगे, अब हम यहाँ रखेंगे सोर्स और ड्रेन में। तो अभी कैसा है, मैं रेड वाले को ड्रेन पर रख रहा हूँ, तो भी मेरा रीडिंग नहीं आना चाहिए, क्योंकि एन चैनल है, मे भी हो सकता है पी चैनल होगा तो रीडिंग आ जाएगा। देखो देखो कोई रीडिंग नहीं आया। अब मैं जैसे रेड वाले को, ये देखो, अब जैसे मैं रेड वाले को सोर्स पे रखूंगा तो मेरे को रीडिंग आ जाएगा डायोड वाला, ये देखो आ गया, क्योंकि मैंने क्या किया था, मैंने जो अपना रेड वाला है वो सोर्स पे रखा, और ये इसको यहां रखा, ये देखो। तो अभी मॉस्फेट को मैं यूज कर रहा, क्योंकि मैंने यूज किया तो इसको मैं वापस लगा भी देता हूं, क्योंकि लगाना भी बात जरूरी है,
तो हम यहाँ पर इसको लगा देते हैं, मॉस्फेट लगाएं तो हमेशा ध्यान रखें आपका ड्रेन ड्रेन पे होना चाहिए, सोर्स सोर्स पे होना चाहिए और गेट गेट पे होना चाहिए, ठीक है। तो कुछ इस तरीके से मैं मॉस्फेट लगेगा, तो ये मॉस्फेट मेरा लग गया। तो आई होप कि आप समझ गए होंगे, यहां दिखाइए, यहां दिखाइए, फिर से फाइनल थॉट आपको समझा दूं, ये मॉस्फेट रहेगा आपका, ये ड्रेन रहेगा, ये आपका गेट रहेगा, ये आपका सोर्स रहेगा, ठीक है। अगर आप एक सिरा यहां रखेंगे मल्टीमीटर का और दूसरा यहां और यहां, तो फिर आपका ओएल आएगा, सेम रिवर्स करेंगे तो ओएल आएगा रिवर्स फॉरवर्ड में, पर जब आप एक सिरा यहां और यहां रखेंगे तो एक और आपको ओएल आएगा और एक और रीडिंग आएगी। अब मैटर करता है, यहां पर दिखाइए, अब मैटर करता है कि अगर रीडिंग सोर्स से ड्रेन पे आती है तो एन चैनल है और ड्रेन से सोर्स पे आती है तो पी चैनल है। कैसा लगा ये वीडियो बताएगा जरूर कमेंट करके, पी चैनल का जो वीडियो है मैं इसके बाद डालूंगा और मॉस्फेट की वर्किंग का वीडियो चाहिए तो बताएगा मैं इसके बाद डालूंगा। और ऐसे ही कुछ नए मैंने रील्स बनाए हैं तो जाके रील्स को जरूर एंजॉय करना, थैंक यू वेरी मच। और वीडियो और एक मात्र ऐसा हमारा इंस्टीट्यूट जो आपको लाइव दिखा रहा है अपनी पूरी क्लासेस, जाइए फेसबुक में इस टेलीकॉम सर्च कीजिए, लाइव देखिए, थैंक यू वेरी मच। मोबाइल रिपेयरिंग का काम आता है, सिर्फ यूट्यूब देख कर सोल्यूशन नहीं मिल रहा, क्यों अपनी शॉप का नुकसान करवा रहे हो? आज ही कॉल करो एमडी सर को और अपनी प्रोफेशनल ट्रेनिंग के लिए बात करो। तीसरे दिन में लाइव पावर लवा देंगे और चौथे दिन में लाइव सीपीयू, वो भी गारंटी से। बहुत ही कम फीस में आप सीख सकते हैं आईफोन का मास्टर सर्किट लेवल का कोर्स, वो भी ऑनलाइन। अब दुकान पर काम के साथ सीखो भी। इस कोर्स में आपको मिलेगा रिगल 4 चैनल डीएसओ और यूटीडी 2 चैनल डीएसओ की कंप्लीट ट्रेनिंग, जिसकी फीस मार्केट में 20 से 80 हजार तक होती है। अभी डाउनलोड करें।